अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज आज जुवेद रहाम खान। हुकूमत ने अनाउंस किया है नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, लेकिन उसमें जो बुलेट पॉइंट आया है, फर्स्ट पॉइंट ये है कि मुजाकरात होंगे, लेकिन मुजाकरात होंगे किस से, ये एक सवालिया निशान छोड़ देता है हमारी नई कौमी सलामती पॉलिसी पे। क्योंकि एक तरफ कौमी सलामती पॉलिसी अनाउंस की जा रही है, ड्राफ्ट की जा रही है, दूसरी तरफ खुदकुश हमले हो रहे हैं। आज वजीरिस्तान में खुदकुश हमला हुआ, तंजीम उल हरैन ने जिम्मेदारी कबूल की है शुमाली वजीरिस्तान के इस हमले की, और कल रावलपिंडी में ग्रेसी लाइन में खुदकुश हमला हुआ। तो ये मुजाकरात किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, होंगे भी कैसे, हम इसको भी डिस्कस करेंगे, और फिर बाकी जो रिकमेंडेशंस इस ड्राफ्ट पॉलिसी में दी गई हैं, ये एक तजवीज करदा नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है जिसको डिस्कस करने के लिए कल ही प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ ने मीटिंग बुलाई, उसको हेड किया, और इस मीटिंग में वजीर दाखिला के अलावा फाइनेंस मिनिस्टर और इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर ने भी शिरकत की, एंड ऑफकोर्स चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के अलावा तीनों बल्कि मुसल्लह फौज के तीनों सरबराहों ने इसमें शिरकत की। और इसके बाद जो पहली बात निकली वो यही थी कि मुजाकरात अव्वलीन रास्ता होंगे और उसके बाद बाकी ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया जाएगा। बात कर रहे हैं हम इसके बारे में, दानियाल अजीज हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में बैठे हैं, एमएनए हैं, पीएमएलएन से इनका ताल्लुक, अस्सलाम वालेकुम दानियाल। और हमारे साथ इमरान इस्माइल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, जिन्होंने हमें कराची से ज्वाइन किया है, अस्सलाम वालेकुम इमरान। पहले चलते हैं दानियाल की तरफ। दानियाल, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जब हम ये रिसर्च कर रहे थे तो अगर आप नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी गूगल में डालें तो आपको इंडियन नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी मिलती है, आपको जापानीज सिक्योरिटी पॉलिसी मिलती है, आपको पाकिस्तानी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी मिलती नहीं है। ठीक है, अब ये ड्राफ्ट की सूरत में अभी पेश की जा रही है और इसके बारे में बहस व मुबाहसा किया जा रहा है, लेकिन 6 महीने आने को हुए इस नई हुकूमत को और अभी तक हम एक तजवीज कर द पॉलिसी के ऊपर गौर कर रहे हैं, और जबकि दूसरी तरफ खुदकुश हमलों में हर रोज हम देख रहे हैं कि लाशें गिर रही हैं, तो हम कितनी देर लगाएंगे किसी पॉलिसी को तश्कील देने में और फिर उस पर किस वक्त कोई रद्द अमल या कोई लाया अमल होगा? जी राम, शुक्रिया आपने मुझे शो में मौका दिया। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तारीफ की, कि आपने कहा कि जब आप गूगल करते हैं तो आपको नहीं मिलती, इसका मतलब है कि 62 साल में तो किसी ने नहीं बनाई, लेकिन हमारे लिए आपने जो है ना 4 महीने पर भी कदगन लगा दी कि आप फटाफट करें, चले 8 कर लें, लेकिन 62 साल और 8 महीने में तो कोई फर्क है? कम से कम इतनी तो रियलाइजेशन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में है कि उनकी गवर्नमेंट ने यह कहा है कि ये बननी चाहिए, और जो चीज पहली दफा हो रही है उसमें पेचीदगियां होती है। जैसे कि आपको पता है, आपने अगर अर्ज सुननी है तो सुन लें, आपकी मेहरबानी होगी। तो उसमें जो मुख्तलिफ एजेंसीज हैं और माजी की हुकूमत में आपने देखा कि इसको इंतहाई एक अजीब व गरीब अंदाज से लिया गया, कि पहले कहा गया कि ISI चीफ जो है वो जाएंगे इंडिया उनके साथ बात करने के लिए, क्लैरिफाई करने के लिए, फिर कहा गया कि जी ये इंटीरियर मिनिस्ट्री के मतहत हो गई है। तो इस तरह के इकदाम करने की जरूरत नहीं है जो कि स्टिल बोर्न इकदाम हो। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक मंजी हुई जमात है और अपने अंदाजे के मुताबिक एक ठीक और ठोस इकदाम के तहत इस मामले को लेकर आगे चल रही है। पहले ये तनकीद होती रही कि जनाब इन्होंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल नहीं बनाई, जब वो कायम होगी तो फिर कहने शुरू हो गए कि जी इसमें मीटिंग्स नहीं हो रही, अब मीटिंग्स होनी शुरू हो रही है तो कह रहे हैं कि जी पॉलिसी नहीं, या पॉलिसी प्रेजेंट होगी तो आप कह रहे हैं कि जनाब वो गूगल पे नहीं है, तो गूगल पे भी आ जाएगी। ये मामला इतने आसान नहीं है। आपको शायद याद होगा कि तमाम जो 52 कंट्रीज ISF में मुलव्वस है अफगानिस्तान में, उन्होंने मुज़ाकरात करने की कोशिश की तालिबान के साथ, तो क्वेटा के बाजार से एक साहब को वो उठा के ले गए, वो अफगानिस्तान के ये मुल्ला उमर के नुमाइंदे हैं, वो पता चला कि भेस बदला हुआ, वाकई वो दुकानदार था। और इसी तरह से फिर कतर में इन्होंने मुज़ाकरात करने की कोशिश की और वहां पर एक झंडा और एक तख्ती जो बाहर लग हुई थी उसकी वजह से 52 के 52 मुल्क जीरो पे आउट हो गए। तो मेरा कहने का मतलब यह कि इतने आसान मामला नहीं कि झट मंगनी और फटव्या और आपने ये सारा कुछ कर लेना, ये काफी देर से मामला उलझा हुआ है और इसको सुधारते सुधारते वक्त लगेगा और इंशाल्लाह सही सिम में मामला चल रहे हैं। शमसान बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, PPP के रहनुमा, अस्सलाम वालेकुम जी। आप सुन रहे हैं, ये कह रहे हैं कि कम अज कम आप अगर गूगल करते हैं आज नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी तो अभी नहीं मिल रही, लेकिन कम अज कम 6 महीने में हमने कुछ तो किया है, पिछली हुकूमतों ने तो कुछ भी नहीं किया, पिछले 65-66 साल में कुछ भी नहीं हुआ, तो ये तो क्रेडिट ले रहे हैं, ले लेना चाहिए इस बात का क्रेडिट इनको। मैंने पूरी बात तो नहीं सुनी दानियाल साहब की, क्योंकि मैं थोड़ा बात में आया हूँ। गूगल मेरा तो मसला नहीं है जी, गूगल तो मसला होगा, मेरा मतलब है कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जब मैंने आप ढूंढने की कोशिश की तो हमें मिलती नहीं है पाकिस्तानी। दानियाल साहब उस हुकूमत का हिस्सा रहे हैं परवेज मुशर्रफ की,
मैं समझता हूँ कि उस हुकूमत का तो अगर ये क्रेडिट लें कि उसने तो दहशतगर्दी के खिलाफ कुछ ना कुछ किया है। अभी तो मुस्लिम लीग नून जो है दे आर टोटली नॉट क्लियर कि उन्होंने करना क्या है। देखिये हम आए थे, हमने सीधी बात की थी कि हम जी 3D पॉलिसी हम लेके आए थे जिसपे मुस्लिम लीग नून ने, उस वक्त नहीं थे दानियाल साहब मुस्लिम लीग नून में, लेकिन इन्होंने हमें वोट दिया था इस बात पे, इत्तफाक किया था कि आप करें। सवात की जंग पूरी कौम कठी हुई तो हमने जीती, अल्हम्दुलिल्लाह सवात में मामला ठीक हुए। बात यह है कि हमारा प्रॉब्लम यह है मिन हैसल कौम, मैं एक जमात को बात नहीं कर रहा, कि वी आर रनिंग विद द हेयर्स एंड हंटिंग विद द हॉर्न्स। हम अभी तक क्लियर नहीं, आधे लोग हम ये मानने को तैयार हैं। अब दानियाल साहब से भी पूछिएगा, पता नहीं इनकी क्या राय है कि जंग हमारी है या नहीं है। बाज लोगों की यह राय कि जंग हमारी नहीं थी मगर हमारी बन गई है। शहीद कौन हो रहा है, कितने लोग जो है फौज के वो शहीद हो रहे हैं, कितने जो है वो दूसरे हो रहे हैं। सूरत हाल ये है जी कि मुज़ाकरात से हमें इनकार बिल्कुल नहीं है, मुज़ाकरात जरूर करने चाहिए, पहली ऑप्शन चाहिए। मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते जो वो तो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोग हैं, पिंडी का वाकया हुआ और वाकया हुआ, इन्होंने जो भी कमेटियां बनाई उसमें पंजाब के एक ऐसे वजीर का नाम लिया जाता है जिसपे लोगों को सख्त एतराज, जो लोग एतबार ही नहीं करते इन मामलात में उसके जो दहशतगर्दी रिलेटेड वाकयात है। मगर अगर ये सीरियस हो तो कम अज कम उसको ही विड्रॉ कर ले, वजारत से विड्रॉ ना करें। सीरियस है लेकिन कम अज कम कुछ तो कर रहे हैं, 5-6 महीने में एपीसी बुला ली, आप एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पहली दफा ड्राफ्ट हो रही है। एपीसी तो हमने भी बुलाई, एपीसी का तो कोई मसला नहीं, और ये पॉलिसी क्यों नहीं ड्राफ्ट। देखें बात ये है कि ये करें, ये जो भी करेंगे जो मुल्क के लिए अच्छा होगा हम इनका साथ देंगे, मगर इनकी अपनी सफों में जो लोग उनके सपोर्टर हैं उनको आइडेंटिफाई ये जरूर करें। ठीक है, इस बारे में हम दोबारा इसको छेड़ेंगे। इमरान इस्माइल साहब हमें कराची से ज्वाइन किए हुए हैं। इमरान साहब, आप लोगों की पार्टी का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो स्टांस है वो बड़ा क्लियर रहा है, डायलॉग 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 मुज़ाकरात, लेकिन बार बार पाकिस्तानी अवाम भी ये पूछ रही है और मेरा ख्याल है PMLN को भी शायद ये कन्फ्यूजन हो अगर वो एतराफ इसका करें या ना करें कि डायलॉग आप किस से करें। आज वजीरिस्तान में जो खुदकुश हमला हुआ है वो एक और नया नाम, रोज हमें एक नया एक सब ग्रुपिंग सुनाई देती है, एक नया नाम सामने आता है, किससे मुज़ाकरात करने चले हैं हम। जी बहुत शुक्रिया आपका। असल में ये बात, आपका सवाल आपका बहुत वैलिड है कि किससे मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन बात यह है कि जो साहिब इख्तदार लोग हैं जो हुकूमत में बैठे हुए हैं, यानी PMLN की मैं बात कर रहा हूं, कि इन्होंने APC जब बुलाई थी तो APC ने बिल्कुल 100% बैकअप इनको दिया था और हमने ये इनसे कहा था कि जी आप जाएं और आप मुज़ाकरात करें, हम आपके साथ हैं। वो मुज़ाकरात बाज़ाब्ता तौर पर कभी शुरू नहीं हो सके। हमें सब ये पता चला कि ये मुज़ाकरात शायद कोई इनिशिएटिव लिया था या बातचीत इनिशियल स्टेज में शुरू हुई थी और वो ड्रोन अटैक हो गया, और वो जिसको हम कहते हैं कि मुज़ाकरात के ऊपर ड्रोन अटैक हुआ, तो उसके बाद से जाहिर है कि एक डिस्ट्रस्ट तो डेवलप हुआ होगा, क्योंकि PMLN ने एक बड़ा क्लेम किया था कि जी अमेरिका अब ड्रोन अटैक्स नहीं करेगा, उसके कहते साथ ही नेक्स्ट डे अगेन ड्रोन अटैक हुआ, तो ये एक डिस्ट्रस्ट पैदा हो गया दो फरीकों के दरमियान। मैं समझता हूं सबसे पहले चीज तो हम क्लियर कर लेना कि तालिबान हमारे साथी या हमदर्द नहीं है, वो हमारे मुखालिफ हैं। हमने और मुज़ाकरात अपने मुखालफों से किए जाते हैं, अपने साथियों से, हमदर्दों से या दोस्तों से मुज़ाकरात नहीं किए जाते। तो हम उनसे, हम फिलहाल TTP की बात करें कि हमने TTP जो पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट कर रही है, जो सबसे ज्यादा इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पावरफुल TTP है, उसके साथ हमने बैठ के मुज़ाकरात करने हैं और हमने पीस टॉक करने हैं। हम जब भी पीस टॉक की बात करते हैं, हम कहते हैं हमें जंग से बाहर निकलना है, पीस की तरफ जाना है, तो ये फौरन हमारे ऊपर एक तो खोल देते हैं कि जी ये प्रो तालिबान से। हम प्रो तालिबान से नहीं है, हम समझते हैं कि तालिबान पाकिस्तान को डैमेज कर रहे हैं, लेकिन हम समझते हैं कि ड्रोन उससे ज्यादा डैमेज कर रहे हैं। तो अगर हम तालिबान को कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू टॉक्स, अगर हम उनको टेबल पर बिठा सकते हैं, तो वेल एंड गुड। से अगर पीस टॉक्स होती है पाकिस्तान में, अमन आ जाता है तो 100 बिस्मिल्लाह, नहीं आता तो वॉर शुड बी आर लास्ट ऑप्शन। जाहिर है कि वो ऑप्शन तो हमारा खुला हुआ है, वो तो हमसे कोई नहीं छीन रहा वो ऑप्शन। लेकिन इमरान साहब, फिर PMLN ये कहेंगे कि ड्रोन तो उनके हाथ में नहीं है, ये तो बैरूनी ताकत है जो कि ड्रोन हम पे बरसा रही है। देखिए, मैं आपको कम से कम 6 ओकेजन पे मियां साहब की तकरीर सुना सकता हूं जो उन्होंने इलेक्शन से पहले ये कहा कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को उन्होंने ये कहा कि ये बेगैरत हैं कि हमारे मुल्क पर ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं और ये अपना ये खामोशी से ऐवानों में बैठे हुए हैं।
मैं मियां साहब से पूछना चाहता हूं कि अब वो गैरत कहां गई जो आप उस दिन दिखा रहे थे इलेक्शन से पहले, अब आप फायदे तैयार हैं, आपके पास पावर्स हैं, आप उनसे बात करें, आप उन्हें गिरा दें ड्रोन। आप इलेक्शन से पहले कहते थे कि जी हम ड्रोन उड़ने नहीं देंगे पाकिस्तान की फजा के ऊपर से, व्हाट हैपेंड? आप कौन सी दानियाल अजीज साहब हैज द अनएनविएबल पोजीशन टू डिफेंड दैट स्टांस, क्यों फिर हम क्यों, क्या गैरत की कमी है या फिर वो इलेक्शन स्लोगनियरिंग थी? देखिये मजीद सख्त अल्फाज इस्तेमाल होने से कोई कहानी बदल नहीं जानी है। इस बात का बरमला बार बार जवाब दिया गया है और हर फोरम के ऊपर जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन आज भी हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं उन्होंने यूएन में इसकी करारदाद जो है पास कराने में एक कलीदी किरदार अदा किया है ड्रोन्स के सिलसिले में, और उसमें जो वोटिंग हुई है उसमें इस बात को तस्लीम किया गया है। तो चाहे वो यूएन का फॉरम हो, चाहे वो वाशिंगटन का फॉरम हो, चाहे वो आईएसएफ का फॉरम हो, चाहे जिधर जिधर भी वजीर आजम साहब गए हैं, तो उन्होंने ये इशू इसमें कोई दो लफ्ज या दो टोक बात में उनको साफ साफ समझाई ये बात, तो उसमें पार्लियामेंट में फ्लोर ऑफ द हाउस पे उसके अलावा जो है आप सारा देख रहे हैं। सो आई थिंक इस चीज को बार बार कहना अब उसमें क्लियरली एक सूरत हाल है कि जो इमरान खान साहब कहते हैं कि हमने जंग करनी है और जिस तरह से ये चेकिंग कर रहे हैं और अपने पार्टी वर्कर्स के ऊपर एफआईआरें करवा रहे हैं और लोगों के रोजगार को ठेस पहुंचा रहे हैं, मैंने ये देखा मैं भी आपको बताना ही चाह रहा हूँ कि जब इन्होंने हाथियों की परवरिश के लिए वो बो टाई पहन के चले गए थे बरतानिया, मैंने नहीं देखा इनको कहीं बाहर जाते हुए पूछते हुए जनाब अपने रैली करते हुए लोगों को कि जनाब हम ये ड्रोन रोकना चाहते हैं और आप लोग ये करें या वो करें। तो कहने का मतलब ये है कि ब्रावाडो से ये चीजें नहीं हटती हैं और गले में ढोल डाल के बजाने से ये बात नहीं हटती है, डिप्लोमेसी एक वो चीज है। लेकिन इमरान जो जिस पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं या जिसकी हिमायत कर रहे हैं, जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं जानता हूँ उस पार्टी को अगर आप उसके स्टांस को अगर आप मजबूत कर देते उनके साथ, इफ यूर ज्वाइंट हैंड्स, अगर विफाक सूबाई हुकूमत के साथ मिल जाता उस स्टांस में हम यूनिफाइड दिखाई देते, यकजहती का सबूत देते, इंटरनेशनल फोरम्स में आप उठा रहे होंगे, लेकिन इंटरनेशनल फोरम्स में आपकी बात को सुना भी नहीं जा रहा। ये कहां की गवर्नमेंट है जी जो अपने मेन हाईवेज के ऊपर खुद ही नाके लगा के डाके मारने शुरू कर, लोगों को इस्तेमाल करे के वो जाके डाके मारने शुरू कर, जी टी रोड रोक देते हुकूमत में बैठ के, मतलब ये तो अनोखी पार्टी है, ये तो लगता है नया है जो मर्जी करते फिरे, लेकिन ऐसे नहीं होता। आई एम सॉरी, किसी भी इंटरनेशनल कनेक्ट कर दो, ये दानियाल साहब जो फरमा रहे हैं ना कि डाके डाल रहे हैं, ये डाके नहीं डाल रहे, ये नेटो सप्लाईज को रोक रहे हैं। अगर आपको इतना नेटो सप्लाई से हमदर्दी है तो बोले आप कह रहे कि आपको नहीं रोकना चाहिए नेटो सप्लाई। मैंने नेटो सप्लाई के बारे में नहीं कहा, मैंने सिर्फ कहा कि सारे लिए इससे कोई मुल्क पता नहीं है, मैंने ये कहा। और अब आप आकर बैठ गए कि जी अब आप नेटो के प्रो हो गए। एक एक अमेरिकन सेक्रेटरी को हैज द ऑडेसिटी ऑफ वॉकिंग डाउन टू आवर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस और उसने वहां बैठकर कहा कि जी हम ड्रोन अटैक्स नहीं रोकेंगे कम वॉट में। आप कौन किधर फोरम पे आप कर रहे हैं इतराज? आप उसको तो कुछ कह नहीं सके, फॉरेन सेक्रेटरी को आप कौन से, आपने वाशिंगटन में जाके ऐसी आपने वहां तीर मार दिया ड्रोन के ऊपर, आपके मुंह से नहीं निकला। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इससे पहले कि इमरान से हम पूछे नेटो सप्लाईज के बारे में, लेकिन दानियाल व्हाई इज इट के कारजाई साहब चाक हेगल से नहीं मिलते? नहीं, अगर वो डाके नहीं मार रहे थे तो केपी के गवर्नमेंट ने एफआईआर किस बात की थी, मुझे जरा समझा दे पहले। अच्छा, इस तरफ चलते हैं। इनके अपने आईजी ने कहा, मतलब जी भोंडा अंदाज है, जो मर्जी कहते रहे, जो मुंह में आए कहते रहे, कोई फैक्ट्स के साथ तो ताल्लुक होना चाहिए नहीं? लेकिन आप क्या आपके एफआईआर किसी जुर्म के लिए होती है वो समझा दिया जाता है वो। अच्छा, एफआईआर कटेगी जो लॉयर अपने, लेकिन आउट होने की जरूरत नहीं, सबके पास जवाब है। इमरान साहब, दानियाल साहब, मैं इन रह के बात करें, आउट होने की आपको भी जरूरत नहीं है, वरना आउट करना आता है हमें। जी जी जरूर, आपको तो पता है आप क्रिकेटर से बात करें। समसाम साहब, हेल्प मी आउट हियर, मैं चाह रही हूँ कि हम डाइग्रेस ना करें, हम ड्रोन्स की तरफ ना जाएं, हम नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी चले। अब हम इसको ड्राफ्ट कर रहे हैं, अब तजवीजें कुछ सामने आई हैं, लेकिन जो तजावीज है, पहला जो तजवीज है डायलॉग पे, दोनों इमरान और दानियाल ना चाहते हुए भी एक बात पे एग्री करें कि ड्रोन आर डैमेजिंग। तो पहले दिन ठीक है, लेकिन डायलॉग फिर किस तरह होगा? ठीक है, डायलॉग अगर आपने पहली ऑप्शन निकाली है कमेटी से, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। देखिये, हर किसी की अपनी राय है, किसी को कोई गर्मी दिखाने की जोर से बात करने की जरूरत नहीं, बात जोर की वही होगी जो फैक्ट्स पे की जाएगी। पहली बात तो ये कि ये डायलॉग की पॉलिसी ले हुकूमत, हम इनके साथ हैं।
डायलॉग खुदा नखास्ता फेल हो गए, खुदा नखास्ता कह रहा हूं, ये डेटरेंस की पॉलिसी लें हम इनके साथ, क्योंकि हम मुल्क के साथ हैं, हम किसी जमात की बात नहीं, हम एक दूसरे सियासत करते रहे, जब मुल्क के मफाद की बात है वहां तो हम करें। मैं अदबन ये अर्ज करता हूं, और ये मैं एक पार्टी को नहीं कह, हमारी पार्टी में भी अपनी राय होती है, इनकी पार्टी में भी बहुत सारा एलिमेंट ऐसे है जो उनका सपोर्टिव एलिमेंट है, हमारी पार्टी में भी कुछ लोग होंगे, इमरान खान साहब की पार्टी में भी कुछ लोग होंगे, मगर डेमोक्रेसी में फैसला होता है अक्सरियत राय पे। मैं ये कहता हूं कि जो पार्लियामेंट में, जो जो सेनेट में, कौमी असेंबली में ये लोग फैसला करेंगे, हम इनका साथ देंगे। रही ड्रोन की बात, तो ड्रोन इज नॉट द ओनली इशू, और ड्रोन मैं कुछ ऐसी चीजों पर रहा हूं, मैं एक दो उन मीटिंग्स भी मैंने अटेंड की हैं जिसमें प्रेसिडेंट ओबामा भी उनकी तरफ से मौजूद थे और हम अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ थे, वो फिर कभी और बात होगी तो आपको जितनी तफसील मैं समझता हूं मुनासिब है बतानी मैं बता सकूंगा, लेकिन मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहूं कि ड्रोन पे कोई पाकिस्तानी हुकूमत कभी राजी नहीं रही। आप ड्रोन गिराने की बात करते ना, जज्बाती बात और है, उसके रिपरकशंस हैं, उसकी दूसरी चीजें, ड्रोन पे तमाम पाकिस्तानी जमहूरी हुकूमतों ने, मैं जमहूरी हुकूमतों की बात कर रहा हूं, परवेज मुशर्रफ साहब के दौर का मुझे इल्म नहीं है, किसी ने उनको ड्रोन की ना इजाजत दी है ना इजाजत देते, ये कह लेना बड़ा आसान है, ना वो ड्रोन पाकिस्तान से उड़ते। बात मेरी आप सिर्फ ये समझें कि बात यह है कि एक अमेरिकन का पॉइंट ऑफ व्यू है, जहां पे जाके जो मियां साहब को कहना पड़ा वहां पे कि अपना हाउस भी ऑर्डर में करने की जरूरत है, वो ये कि ड्रोन जहां गिरता है कोई ना कोई वांटेड बंदा वहां पे आ जाता है, लेकिन इसका मतलब ये रही, हमारी यही रही है कि आप इंटेलिजेंस हमसे शेयर करें अमेरिकन के साथ और हम उस पर एक्ट करें, और वो उस तरह शेयर नहीं करते, कम से कम हमारे साथ तो नहीं किया, इनके साथ करें तो पता। अब आप तीनों की बात सुन के जो पाकिस्तानी आवाम सोच रही होगी वही मैं सोच रही हूँ कि डायलॉग्स की कोई, मुझे लग रहा है कि बार बार डायलॉग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जैसे आप बताएं वेस्टर्न गवर्नमेंट पॉलिटिकली करेक्ट ये है क्योंकि ये सही कहना है। कोई एक मिनट आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि बैटल फील्ड में तो एक फैसला हो जाता है, कोई आगे जाता है या पीछे जाता है, मामला तय डायलॉग से होते हैं या नहीं होते, मुझे ये बता। देखिए डायलॉग के साथ आपका डेटरेंस चलता रहता है, डायलॉग का मतलब ये नहीं है कि आप अपने लोगों की हिफाजत ना करें। अब मैं तो आई डोंट हैव टू डिफेंड द गवर्नमेंट, अच्छा, तो ये करेंगे मगर डायलॉग करते रहे आप, लेकिन साथ में अपनी हिफाजत भी करें और उनको क्लियर मैसेज दें जो हुकूमत का फर्ज है। छोटी सी ब्रेक लेंगे जी, के खिलाफ कुछ नहीं होने, छोटी सी ब्रेक लेंगे और उसके बाद हम पूछेंगे अपने पैनलिस्ट से कि डायलॉग की तो बात कर रहे हैं लेकिन डायलॉग आखिरकार कब शुरू होगा, और उसके बाद बाकी पॉइंट्स की तरफ भी नजर डालेंगे। बैक इन अ कपल ऑफ मिनट्स, यहीं पर रहिएगा। वेलकम बैक, यू वॉचिंग आज विद रहाम खान, और हम बात कर रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के बारे में। दानियाल अजीज पीएमएलएन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दानियाल, हम बात कर रहे थे मुजाकरात की, डायलॉग की, लेकिन इज इट नॉट फेयर टू से कि आप लोग आपस में भी मुजाकरात नहीं कर रहे, बिकॉज मैं पर्सनली काफी कंफ्यूज हूं कि इस वक्त फॉरन मिनिस्ट्री किसके पास है। शहबाज शरीफ साहब इंडिया जा रहे हैं, सरताज अजीज साहब भी बयान दे रहे हैं, चौधरी निसार साहब भी बयान दे रहे हैं, टेक्निकली इट इज मेंट टू बी विद द प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ, लेकिन इज इट नॉट कंफ्यूजिंग कि इन इन इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में, जबकि हमारी इतनी सिफारती जिम्मेदारियां हैं, हमारे इतने फॉरेन अफेयर्स, बड़ा बड़ा क्रूशल टाइम है, इस वक्त ये मिनिस्ट्री किसी एक मखसूस शख्स के पास नहीं होनी चाहिए थी? कैन रियली प्राइम मिनिस्टर साहब लुक आफ्टर ऑल ऑफ दीज थिंग्स? देखें जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान काफी सालों से एक हाई इंटेंसिटी प्रेशर के दबाव के नीचे रहा है, और बेशतर वो जो प्रेशर है वो फॉरेन ऑफिस पे आता रहा है। मैं आपको थोड़ी सी एक दो मिसालें देता हूं। ये हाल ही में जो हुकूमत थी, आपने देखा कि शाह महमूद कुरैशी के साथ किस किस्म की फॉलिंग आउट हुई। उससे पीछे आप चले जाएं तो जिस वक्त कारगिल का सारा कुछ हुआ, तो उस वक्त किस तरह की फॉलिंग आउट हुई। तो ये एक ऐसा ऑफिस है जो कि इंटेंस प्रेशर में आके तो अक्सर पेश इसमें मुख्तलिफ किस्म की जो है ना आरा जो है उनकी वजह से काफी दुश्वारी का सामना करना पड़ा पाकिस्तान को। तो इस कठिन रस्ते के ऊपर पाकिस्तान को गाइड करने के लिए अगर वक्ती तौर पर यह फैसला हुआ तो कोई ऐसी बात नहीं। मैं आपको एक और मिसाल देना चाहता हूं कि आपको याद होगा जब माशाल्लाह प्रेजिडेंट जरदारी
अंसारी प्रेसिडेंट बने, तो उस वक्त माजी की हुकूमत की वजह से बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर के पावर्स जो थे वो प्रेसिडेंसी में कॉन्सेंट्रेटेड थे, और उस वक्त भी पीपीपी गवर्नमेंट को संभाला देते हुए तकरीबन ऑलमोस्ट एक साल के बाद वो जो है ना तफवीज किए गए थे प्राइम मिनिस्टर गिलानी के ऊपर, और फिर वो मामला मामूल पे चलने शुरू हो गए। सो मैं आपको ये अर्ज करना चाहता हूँ कि इतनी औखी चीज नहीं है जितना कि इसको ड्रमअप किया जा रहा है कि जी पता नहीं क्या हो गया। वहां पर इस वक्त लोग मौजूद हैं, वो अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं, और मेरे ख्याल में जो इस छोटे से पीरियड में जो कि 4-6 महीने हैं, जितनी इंटेंसिटी में फॉरेन पॉलिसी के ऊपर काम हुआ, शायद अगर आपके पास 5 वजीर होते तो मैं तो यही पूछ रही हूँ कि इतनी इंटेंसिटी से जो काम हो रहा है, बहुत से लोग फॉरेन पॉलिसी पे काम कर रहे हैं, बयान भी दे रहे हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम वुड यू नॉट अग्री कि कंफ्लिक्टिंग बयान दे रहे हैं। सरताज अजीज एक बात कर रहे हैं, शहबाज शरीफ एक बात कर रहे हैं, आई एम पर्टिकुलरली कंफ्यूज के किस रूट पे जाया जाए। इंटीरियर मिनिस्टर फॉरन अफेयर्स के बारे में बयान दे रहे हैं, ऐसे तो कोई भी चीज आप किसी वजीर के आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेके उसको उलझा सकते हैं कि जनाब देखें ये कह दिया वो कह दिया। मेरा ख्याल बाय एंड लार्ज इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, और बहुत कोशिश की जा रही है, क्योंकि जाहिर बात है कि कुछ ऐसी ताकतें और ऐसी सोच है जो कि नहीं समझती कि जिस समय पाकिस्तान की पॉलिसी वो चल रही है, चाहे वो एपीसी के लेवल पे फैसला हो, या वो इंटीरियर मिनिस्ट्री के हो, या वो फॉरन मिनिस्ट्री के हो। तो उसकी वजह से फिर ये सामने कह रहे हैं कि ये तो रिवायत भी है, हमारे ताखिर हो जाती है, और दूसरा इस वक्त बहुत क्रूशल हालात है, इसलिए प्राइम मिनिस्टर साहब से बेहतर कोई कैंडिडेट नहीं है। मेरी थोड़ी सी अर्ज सुनो, मेरी अपनी राय है इस पे, इनसे अदबन में इस बात पे एग्री नहीं करूंगा। प्रीरोगेटिव ये इनका है कि ये किसी को लगाएं या ना लगाएं, मगर फॉरेन मिनिस्ट्री जो है इन्होंने कोई पीपल्स पार्टी का बंदा तो नहीं लगा देना, इन्होंने कोई पीटीआई का तो नहीं, बहुत इंटेंस प्रेशर है, तो और कोई इंटेंस प्रेशर शायद ले नहीं सकता। मेरी अर्ज इसका मतलब है इनको अपने लोगों पर एतमाद नहीं। मैं अर्ज आपसे ये करना चाहूंगा कि इनको एक फुल टाइम फॉरेन मिनिस्टर लगाना चाहिए, और फॉरेन मिनिस्ट्री ही जो है उसको ही जवाब बाहर के देने चाहिए। शाह महमूद साहब ने जब फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने बेहतरीन काम किया है, मैं तो पर्टिकुलरली उनका बहुत मैं अदब भी है, एहतराम भी है, और उनके काम का भी मैं हूं। उनका एक जगह पे इख्तलाफ होता है, वो नहीं रहते वहां पे, वो अपना छोड़ देते हैं, वो उनकी अपनी राय है, मगर एक दिन भी फॉरेन मिनिस्टर के बगैर उसके बाद हिना आ गई। और मुशर्रफ साहब के दौर में भी कसूरी साहब रहे, या दानियाल साहब कोई और भी रहे, या जरा कसूरी साहब भी रहे, लेकिन मुशर्रफ साहब के दौर में भी फॉरेन मिनिस्टर रहा। पहली बात तो यह है कि प्राइम मिनिस्टर जिसको भी ताकत देंगे और उसको कहेंगे मुझे तुम पे एतमाद है, वो प्रेशर ले सकेगा, कोई ऐसी बात नहीं, वो अपना बंदा जरूर लगा दें। ये कंफ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स जो रोज आ रही हैं ये अच्छी नहीं है मुल्क के लिए, आगे लेके जाने के लिए तो फॉरेन मिनिस्टर तो जरूर होना चाहिए। दूसरी बात, इन्होंने कही कि प्रेसिडेंट जरदारी जब आए तो एक साल रहे। आप ये भी गौर करें कि जियाउल हक ने जब शबखून मारा डेमोक्रेसी पे और उन्होंने वो इख्तियार अपने ले लिए, तो 20-22 साल बाद जमहूरी दौर में जमहूरी पार्टी किसी को ताकत मिली तो एक साल के, क्योंकि हमारा सिस्टम जो है वो वेस्टमिंस्टर सिस्टम है, तो सिस्टम जो चला तो वो उसी वक्त वो तफवीज कर दिए गए प्राइम मिनिस्टर को, उस वक्त गिलानी साहब थे। और आज भी मैं समझता हूं अगर हम डिक्टेटरशिप से बचेंगे और हालात चलते रहेंगे तो उस वजह से बचेंगे कि वो इख्तियार अब प्राइम मिनिस्टर के पास है, सदर के पास नहीं है। तो इनको बड़ा दिल करना चाहिए और किसी पे अपने ही बंदे पे एतमाद करके फुल टाइम फॉरेन मिनिस्टर लगा देना चाहिए। लोग मजाक करते हैं हमें कि आपका फॉरेन मिनिस्टर कौन। अच्छा, द रीजन आई से दैट इज बिकॉज बाकी जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में बातें जो हमारे सामने कुछ आई है, ऑफकोर्स बार बार मैं ये कह रही हूँ कि ये एक ड्राफ्ट की सूरत में अभी तक सिर्फ तजावीज है, उसमें यह है कि ऑब्वियसली अफगानिस्तान इशू इज डोमिनेटिंग एवरीथिंग, हमें दोबारा सोचना होगा, रिव्यू करना होगा कि हमारे अफगानिस्तान के साथ क्या रिलेशनशिप है, हमारा यूएस के साथ क्या रिलेशनशिप है, हमें रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा। जाहिर है ये फॉरेन ऑफिस के थ्रू ही होगा, तो इस वक्त जो आप कह रहे हैं कि क्रिटिकल इंटेंस इतना जाहिर नहीं है। जी मैं थोड़ा सा अर्ज करना चाहता हूँ, थोड़ी ओवर सिंप्लीफिकेशन है जो आप फरमा रही है। मैं सिर्फ आपको ये अर्ज करना चाहता हूँ कि जो इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी और जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी पॉलिसी है इनमें ओवरलैप जरूर है, लेकिन ये यकसा नहीं है, एक ही चीज नहीं है ये। तो इसलिए इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है उनका एक काम है, जो फॉरेन मिनिस्ट्री है या नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उनका एक काम है जो कि एक्सटर्नल थ्रेट्स को भी डील करती है, लेकिन जाहिर बात है उन दोनों का बहुत सख्त ओवरलैप भी है। तो ये कोई अनहोनी चीज नहीं है कि किसी मुल्क में ये हो कि उसमें सही सिम में लाने के लिए जो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों को सिंक्रोनाइज करने के लिए अगर एक डिबेट चल रही है या इंटरनली एक ड्राफ्ट बन रहे हैं या उसके ऊपर थिंकिंग हो रही है, तो ये तो अच्छी बात है कि एक मेजर्ड पॉलिसी निकले, ना कि झटपट से जो है हम गलतियां कर बैठे इसमें वाली बात और कल को पता चले कि हम अपना नुकसान कर बैठे हैं। ये माजी में हुआ है बहुत दफा, मैं नाम नहीं किसी का लेना चाहता, मेरी आदत नहीं है, लेकिन कहने का मतलब ये कि ये आप क्यों इसको इतना वो मतलब
बुरा भला कह रही, ये एक प्रोसेस होता है, आपका क्या ख्याल है? आपने बुरा भला नहीं कह रही, मैं तो क्वेश्चन कर रही हूँ। एक मिनट, मैं आपको ये बताऊं कि जिनका आपने नाम लिया इसी प्रोग्राम में, मसलन ऑस्ट्रेलिया की जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है उनकी भी पहली निकली थी बहुत सारे सालों के बाद, और वो एशियन सेंचुरी की बात करती है, शायद अगर आपने उसको पढ़ा हुआ हो। तो इसी तरह से जो अमेरिका में नेशनल सिक्योरिटी एस्टिमेट्स है एनएसई जो बनती है, उसमें तकरीबन 2 साल लगते हैं बनते हुए, और वो मुख्तलिफ मशवरों के जरिए, थिंक टैंक्स के जरिए, मुख्तलिफ जो आर्म्स हैं डिफेंस के, दूसरे तीसरे करते कराते वो बनती है। तो जाहिरी बात है उसके ऊपर काम हो रहा है, आपको भी पता है ब्रीफिंग्स हुई है जीएचक्यू में भी, आर्मी चीफ बदले हैं, राय ली जा रही है फॉरेन ऑफिस की भी, नेशनल सिक्योरिटी की भी, इकोनॉमी भी हमारी जो है वो कितनी अच्छी हालात में नहीं है, तो जाहिर बात है उसके ऊपर भी बड़ी फिक्रमंदी है कि इन चीजों को बैलेंस कैसे करना है। तो थिंग्स आर ऑन द वे, इमरान इस्माइल साहब, थिंग्स आर ऑन द वे। दूसरी जो एक ड्राफ्ट में बात कही गई है वो ये भी कही गई है कि रिगेनिंग कंट्रोल ऑफ फाटा। अब डायलॉग के थ्रू आप रियलिस्टिकली समझते हैं कि अगर आप फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज जो हैं वहां पे हुकूमत की जो रिट है वहां पे अगर इम्पोज करना चाहेंगे तो वो डायलॉग के थ्रू हो सकती है? जी, ये तो अभी इनकी पॉलिसी कंप्लीट आ जाए, अभी तो ड्राफ्ट इन्होंने बनाया, वो ड्राफ्ट भी अभी शेयर नहीं किया, और वो 3 हिस्सों में है गालिबन, उसमें से 2 हिस्से पब्लिक होंगे, 1 हिस्सा जो है वो पब्लिक नहीं होगा, वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट होगा गवर्नमेंट का, विच इज राइट, हो सकता है ऐसा पॉसिबल। तो उसमें हमें नहीं पता कि इन्होंने किस तरह की पॉलिसी उसके अंदर डिजाइन कर रहे हैं, हमसे कोई कंसल्टेशन अब तक नहीं की गई, शायद आने वाले वक्त में कोई कंसल्टेशन करें तो हम उसमें ज्यादा बात आपको बता सकेंगे। अभी जो हम बात कर रहे हैं ये नेशनल पॉलिसी की, तो ये हमें जो बताया गया था वो ये, लेकिन 6 महीने बहुत होते हैं एक ऐसे मुल्क को नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी इमीडिएटली बनाने के लिए जो एक हालत जंग में हो। यानी अगर एक स्टेट वॉर के स्टेट में है एक मुल्क, और उसका डिफेंस मिनिस्टर ही मौजूद ना हो, एक मुल्क जिसको तमाम दुनिया से प्रेशर है उसका फॉरेन मिनिस्टर ही मौजूद ना हो, तो वो फिर इस तरह की गलतियां पॉलिसीज में और दूसरी चीजों में हुआ करती हैं, और जो ये होती रहेंगी रिपीटेडली। प्रॉब्लम यहां पर ये है कि मैं समझता हूं कि फुल मार्क्स में हमें पीपल्स पार्टी को देने चाहिए। 5 साल पीपल्स पार्टी को बड़े सख्त अल्फाज में तनकीद करती रही ऑपोजिशन, बशमूल हमारे और ये पीएमएलएन के भी, और बड़े मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी ने न सिर्फ ये कि वो हमारी बातें सुनते रहे बल्कि वो बार बार वजाहतें देते रहे हमें, जबकि पीपल्स पीएमएलएन का प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने कोई इनकी खामी पिन पॉइंट की तो ये उसको पर्सनल लेते हैं, पर्सनल इंसल्ट समझते हैं, और फिर ये आपके बस पीछे पड़ जाते हैं, आपकी फलाना क्यों कर रहे हैं, आपको क्रिकेट खेलनी चाहिए, आपको देखें इशू पे रहें, बात का जवाब दें, आपसे जो बात करें अपना दुश्मन ना समझ लिया करें हर एक को। जो ऑपोजिशन का किरदार है वो ये है कि अगर आपसे कहीं गलती हो रही है तो आपको बताया जाए, आपको रोका जाए, और अगर आप कहीं अच्छी बात कर रहे हैं तो आपको सपोर्ट किया जाए। मेरा ख्याल है कि मैं पहली सपोर्ट रेंडर किया पहली बार इमरान इस्माइल साहब, मेरा ख्याल है पहली बार, इट्स द फर्स्ट ऑन आवर शो एटलीस्ट के पीपीपी की हुकूमत के 5 सालों में किसी बात की तारीफ हो रही है। वो उनकी मेहरबानी है, लेकिन मैं फिर भी आपको कहूंगा कि हमारा दौर जब भी आया है और जब भी आएगा हम पार्लियामेंट के अंदर रहने वाले भी तमाम ताकतों से शेयर करेंगे, और जो बाहर लोग बैठे होते हैं, बाज दफा लोग इलेक्ट ही होते हैं मगर वो स्टेक होल्डर्स होते हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। एपीसी बुलाई गई, सारा कुछ बुलाया गया, अब पॉलिसी इन्होंने देनी है, खुदा करे कि अच्छी पॉलिसी दें। मैंने तो एक सीधी बात की और मेच्योरिटी का मुजाहरा कर, क्योंकि हमारी लीडरशिप का और इनकी लीडरशिप की जब से ये बात हुई है इनको भी ताने मिले हैं फ्रेंडली ऑपोजिशन के, हमें भी अब मिल रहे हैं, मगर मैं ये समझता हूं कि मुल्क की जरूरत यह है कि एटलीस्ट जो आपकी फॉरेन पॉलिसी है उस पर हमारी आवाज एक होनी चाहिए। तो लेट द पॉलिसी कम तो फिर हम करेंगे। और ये बात दानियल साहब ने ठीक कही है कि सिर्फ फॉरेन ऑफिस नहीं होता, इंटीरियर भी होता है, फॉरेन ऑफिस भी होता है, और एजेंसीज भी होती है जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता। सर एक मिनट इस्माइल भाई, मैं गुजारिश सिर्फ यही करना चाहूंगा कि लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनके पास कोई एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो इस काबिल नहीं है कि फॉरेन मिनिस्टर बन सके। फॉरेन मिनिस्टर आप बनाए, मैं नहीं समझता मियां साहब की जितनी ग्रिप है और पीएमएलएन का जो एक तरीकाकार है, इनके मिनिस्टर्स नहीं कर सकते अपनी मनमानी ऐसे, तो वो बात करें, अगर किसी पे एतराज हो तो उनकी पार्टी पूछ ले, मगर एटलीस्ट देयर शुड बी वन पर्सन जो किसी से बात तो कर सके। अभी लोगों को फॉरेन ऑफिस में ये समझ नहीं आ रही उनका बॉस कौन। ठीक है, आई थिंक दैट्स अ वैलिड पॉइंट। दूसरा, हमारी सारी एम्बेसीज खाली भी पड़ी है। इमरान साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी जी, मैं कह रहा हूँ ये जो अभी मुल्ला अब्दुल कादिर को फांसी दी गई है इसमें हमारा पाकिस्तान का बड़ा कंफ्यूज स्टेटमेंट गया है सारी दुनिया को। फॉरेन ऑफिस हमारा कुछ और कह रहा है और हमारे चौधरी साहब जो है वो चौधरी निसार साहब वो कुछ और कह रहे हैं। देखिए ये एक
अब हमें बताएं किधर खड़े हैं, मुझे अभी तक नहीं पता कि पीएमएलएन की या पाकिस्तान की ऑफिशियल क्या स्ट्रेटेजी है मुल्ला कादिर के ऊपर जो इनको फांसी दी गई है बांग्लादेश में, उसके ऊपर पाकिस्तान का क्या स्टैंड है। हमारा फॉरेन ऑफिस जो है वो कहता है कि ये बांग्लादेश का इंटरनल मामला है। चौधरी साहब कहते हैं कि बड़ा जुल्म हुआ, ये पाकिस्तान के साथ वो एक पाकिस्तान की जंग लड़ रहे थे। ये किस तरह के बयान आते हैं। देखिए ये फॉरेन ऑफिस इसलिए ये प्रॉब्लम आ रहे हैं कि वहां फॉरेन मिनिस्टर मौजूद नहीं है, तो ये चीजें अगर हम पॉइंट आउट करते हैं तो आपको तकलीफ नहीं होती। दानियाल साहब कह रहे हैं ऐसे तो कोई बात नहीं है, पेशानी से सुने इस चीज को। जो ये जो मेरे भाई बात कर रहे हैं उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, जो शायद इन्होंने रेजोल्यूशन नहीं पढ़ी जिसमें इनकी पार्टी ने भी वोट किया था पार्लियामेंट में, तो उस रेजोल्यूशन में वॉइस ऑफ कंसर्न थी। तो इसमें जो रद्द अमल बांग्लादेश में आया है वो उसके ऊपर तो पाकिस्तान का कोई कंट्रोल नहीं है, और जो पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने उसका जवाबन बात की है वो इससे मनफी नहीं है जो पार्लियामेंट ने करारदाद दी है। उन्होंने तो ये नहीं कहा है कि ये बड़ा अच्छा इकदाम हुआ है समथिंग लाइक दैट। सो आई थिंक इसमें हमारा और बांग्लादेश का मुआहदा था। एक बात बड़ी सिंपल सी है कि जब आपने बांग्लादेश को एक्सेप्ट कर लिया है वो आपका हिस्सा था, आज वो बांग्लादेशी पासपोर्ट पे थे मुल्ला अब्दुल कादर साहब। जो उन्होंने पहले कहा कि पाकिस्तान ना टूटे उसके तो हम सब साथ हैं, तो ये तफरीक है थोड़ी इस बात की। जो उनका उस वक्त था जब तक पाकिस्तान बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था तो वो बिल्कुल ठीक थे। आज अगर उनकी अदालत किसी बंदे को फांसी देगी तो हम ये तो जरूर कंडेम कर सकते हैं कि वो पाकिस्तान के लिए लड़ता रहा सारा कुछ करता रहा, मगर हम उसको गलत कहना बांग्लादेश पे हम शायद कह रहे ऑपोजिशन में गवर्नमेंट के लिए मुश्किल होगा, मगर फिर भी ये थोड़ा सा अजीब मामला हुआ जरूर उस डिस्कनेक्ट की वजह से कि फॉरेन ऑफिस और पार्लियामेंट का जो डिस्कनेक्ट था फॉरेन मिनिस्टर ना होने की वजह से वो जरूर हुआ कि फॉरेन मिनिस्ट्री की बात और थी और पार्लियामेंट रेजोल्यूशन और तरफ थे। लेकिन दानियाल बार बार आपको क्वेश्चन अवेट कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई एरिया वेकेंट है, अगर देखें ना एक इंसान कितने हाउ मेनी बॉल्स कैन यू जगल एट द सेम टाइम, जाहिर है एक ना एक तो नीचे गिरेगा। देखें पीएमएलएन इज नॉट गोइंग टू गेट ब्लैकमेल और पोस्ट और बुलीड इनटू मेकिंग डिसीजंस। पीएमएलएन विल मेक डिसीजंस व्हेन दे वांट। देखिए इमरान ने कहा था कि आपको इमरान ने कहा कि अच्छी बात है। तुम साथ साथ तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जैसे मेरे भाई ने कहा वो भी यही कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की प्रेरोगेटिव है, ठीक है जी, तो इसमें कहीं कानून वायलेट नहीं हो रहा कि कोई इलीगल एक्शन हो रहा है। मैंने आपको बताया उसका पस मंजर क्या है कि ये फैसला क्यों किया रखे और ये किया रखेंगे जब तक से ये मामला उनके अंदाजे में उस सिंत में नहीं आ जाते कि जहां पर वो महसूस करें कि ये मामला अब आगे चल निकल सकता है। तो ये कंट्रोल में रखा हुआ है, ये वाजे करके कह के बता के कर रहे हैं, कोई ऐसी लुकी छुपी बात नहीं है, ठीक है जी। सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट एंड लेट इट गो। जो भी प्रॉम्प्ट हो रहा है या जो भी इसमें जिसको मतलब बुखार उतरे जो भी हो रहा है ये मामला इसी तरह रहेगा। अब आगे आप बात कर लें ये जो बात हुई बांग्लादेश में क्या हुआ ढाका में कि पाकिस्तान के जो बांग्लादेश के एम्बेसडर है उनको बुलाया गया, उनको उसके सिलसिले में उन्होंने जो अब जैसे डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए होता है, तो इसमें बात ये नहीं थी कि मजीद जो है थ्रो फायर अपॉन फायर वाली बात है। तो ये पार्लियामेंट की लेवल का फैसला था और पार्लियामेंट ही उसका जवाब देगी कल सुबह, जैसे आगे आपको मालूम है हमारा सेशन है और यकीनन इसके ऊपर जो है ना रद्द अमल जो है उस पर फैसला होगा जी। लेकिन एक जो एतराज किया गया था, आप कह रहे हैं कि वी कांट बी बुलीड एंड ब्लैकमेल्ड इनटू एनीथिंग बट इट्स अ डेमोक्रेसी, श्योरली यू शुड बी टेकिंग फीडबैक। अगर आपका डिलेड रिस्पॉन्स आप इम्पोज भी तो नहीं कर सकते, राय से फैसला होना है, मगर इसका मतलब ये भी नहीं है कि पीटीआई या पीपल्स पार्टी अपनी राय ना दे। राय तो आप दे ना जी, आपको कौन रोक रहा है। दानियाल बात ये है कि डिलेड रिस्पॉन्स, अब्दुल कादर मुल्ला की एग्जीक्यूशन के बाद भी हैंगिंग की बात भी सबने कहा कि डिलेड रिस्पॉन्स था, हमारी गवर्नमेंट का डिलेड रिस्पॉन्स था, डिलेड रिस्पॉन्स की। और अगर हम टेररिज्म की बात भी करते हैं, हमारी लाशें इधर रोज गिर रही हैं, वी आर इन डिफरेंट स्टेट। आप अमेरिका से या ऑस्ट्रेलिया से नहीं कंपेयर कर सकते बिकॉज आप खुद ऑफिशियली आप स्टेटमेंट दे रहे हैं कि वी आर द बिगेस्ट विक्टिम ऑफ वॉर, बिगेस्ट विक्टिम ऑफ टेररिज्म। तो आप इतना टाइम इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो आप बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन, आपने अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात कही है कि जिसमें आपने कहा है कि वी आर इन स्टेट ऑफ वॉर, तो स्टेट ऑफ वॉर में एक्सिजेंसीज होती हैं, स्टेट ऑफ वॉर में एक सेंस ऑफ अर्जेंसी भी होनी चाहिए। जी सेंस ऑफ अर्जेंसी की मैं बात करूं उसकी वजह से ही ये जो फैसले हुए हुए मैंने पहले भी आपको सारी बात समझाई है, तो उसमें आप अब दोबारा यही सवाल पूछ लें मैं फिर से जवाब दे देता हूं।
अच्छा आप मुझे बताइए कि हम जी जी इमरान मैं समझता हूँ, देखिये मियां साहब जो है वो एक क्लेम कर रहे थे इलेक्शन से पहले कि जी मेरे पास मुझे वोट दें, पीएमएलएन को वोट दें क्योंकि मेरे पास सबसे बेहतरीन टीम है जो पाकिस्तान के इदारे तबाह हो रहे हैं उनको क्रैक करेंगे, मेरे पास बेहतरीन टीम है जो पाकिस्तान को आगे लेकर जाएगी। मेरा ख्याल है कि ही इज मिसिंग आउट ऑन दैट टीम, वो टीम उनके पास मौजूद नहीं है क्योंकि आप देखें पीआईए ये कहते हैं कि जी उसका हाल यह है कि उसको बेच दिया जाए, रेलवे का आप हाल देख ले वो उसको भी बेचने के लिए तैयार हैं, पाकिस्तान स्टील भी बिकने के लिए तैयार है, जितने इदारे हैं वो तो ये बेचने के लिए तैयार हैं। जो जो हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनके हेड्स ये नहीं अपॉइंट कर रहे, एनआईसीएल का चेयरमैन नहीं अपॉइंट कर रहे, इस तरह बहुत सारे इदारे खाली पड़े हुए हैं जिनके इन्होंने वादे किए थे कि मेरे पास बेहतरीन टीम है। उसी टीम से जाहिर होता है कि जो इनके पास बेहतरीन टीम मौजूद नहीं है उसी की वजह से या मियां साहब को अपनी टीम पर एतबार नहीं है जिसकी वजह से वो ये मेजर अपॉइंटमेंट्स जिसमें फॉरेन मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, एनआईसीएल के चेयरमैन, पीआईए का चेयरमैन, पाकिस्तान स्टील, यू नेम इट, उसके कहीं वो अपॉइंटमेंट्स नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल उन्होंने उसको बेहतरीन टीम तो इमरान है ना, ही इज रनिंग द शो हिमसेल्फ, उनसे बेहतरीन टीम क्या हो सकती है। ड्राफ्ट का आपस में कोऑर्डिनेशन होगी, एक इंसान के साथ तो कोऑर्डिनेशन करना बहुत आसान है। देखें जी बार बार ये कहना कि इलेक्शन दौरान ये कहा, इलेक्शन के दौरान ये, तो किसी के बारे में कहा सकता है। इमरान खान साहब की पहली स्पीच थी कि मैं शेरफ लगाऊंगा, लग गया तो छोड़े इन बातों को। देखिए लेकिन मैं आपको बताता हूँ ना जी, मैं आपको ये देखें कि जो एक मुस्बत फैसला हुआ है कि एक कम्पेटिटिव प्रोसेस, एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के तहत ये अपॉइंटमेंट्स होनी है, उस सिस्टम में पाकिस्तान चल निकला, उन लोगों को अपॉइंट कर दिया और पूरे अखबारों में आपने इश्तहार, ऑलमोस्ट मोर देन 5,000 टॉप एग्जीक्यूटिव फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड अप्लाइड फॉर दोज पोजिशन, ठीक है। सो पाकिस्तान इज ट्राइंग टू अडॉप्ट दीज प्रोसेस, जब कोई आप लगा देते हैं बीच में से तो एकदम जवाब आता है कि जनाब देखें प्रोसेस नहीं इस्तेमाल किया, तो थोड़ा सा इंतजार कर ले, थोड़ा सा आप बर्दाश्त करें। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जिम्मेदारी है, वो निपटा के आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि दूसरी तरफ हम जब टीम की बात कर रहे थे तो देर आर लॉट्स ऑफ वेरी गुड कैंडिडेट्स जो कि उनकी फैमिली से जिनका ताल्लुक नहीं है, व्हाई नॉट दानियाल अजीज, आई मीन व्हाई आप इधर आ रहे हैं, यू मेक परफेक्ट सेंस, व्हाई इज इट कि पीएमएलएन इज नॉट चूजिंग दीज पीपल, नॉट इवन परहैप्स ग्रूमिंग देम फॉर व्हाट इज इन स्टोर, आर दे यूजिंग देम और नॉट यूजिंग देम, बट आई डोंट सीम टू बी, जस्ट बिकॉज़ आई डोंट नो ऑल अबाउट इट डजंट मीन आई एम नॉट बीइंग यूज्ड, लेकिन आप कितना टाइम और लेंगे। अच्छा सो कुड वी हैव दैट ऑन रिकॉर्ड, कुड वी हैव दैट ऑन रिकॉर्ड, ये कहेंगे कि व्हाई नॉट सरताज अजीज साहब का अब एक बयान आ गया है कि वो ड्रोन्स के ऊपर एक करारदाद पास की जाएगी और यूएस के साथ जो हमारा रिलेशनशिप है उसको दोबारा जो डायलॉग शुरू होगा, जाहिर है मार्च के बाद स्ट्रेटेजिक डायलॉग ये शुरू होगा, डू वी हैव इनफ टाइम वेरी क्विकली दानियाल, इनफ टाइम फॉर दिस डायलॉग जो कि अब मार्च के बाद अगर हम शुरू करेंगे यूएस के साथ, हम डू वी हैव इनफ टाइम, डू वी नॉट नीड टू डू समथिंग बिफोर मार्च? नो नो, देयर इज ऑलवेज टाइम फॉर डायलॉग, कोई ऐसी बात नहीं है, वही मैं आपको बात बता रहा हूँ। देखें पाकिस्तान हैज टू लिव विद इट्स नेबर्स, पाकिस्तान इज गोइंग टू बी हियर, पाकिस्तान इज नॉट गोइंग एनीवेयर। अगर कोई किसी को जल्दबाजी पड़ी हुई तो डेडलाइंस जिन्होंने दी हुई है वो उनके बारे में मामला है, तो वो करें अपनी जो भी कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है जी, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जी आपकी लास्ट स्टेटमेंट। जी मेरी तो यही है कि इनको वी नीड टू पुल अप आवर सॉक्स और हमें क्लियर होना चाहिए कि हम करना क्या चाहते हैं। मेरे ख्याल में हुकूमत अभी तक क्लियर नहीं। अच्छा इमरान आपकी तरफ से लास्ट स्टेटमेंट वेरी ब्रीफली। जी मैं समझता हूँ शमसान बुखारी साहब बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, यही हमारा भी मौकफ है कि हम समझते हैं गवर्नमेंट पीएमएलएन की अभी खुद एक बड़ी कंफ्यूजन का शिकार है, इनको शायद अपनी टीम पर अब तक भरोसा नहीं कर पाए हैं, लोनलीनेस का शिकार होते जा रहे हैं और अपनी पॉलिसीज जो है वो ला नहीं पा रहे हैं सामने जो इन्होंने पहले वादा, तन्हाई का शिकार होते जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दानियाल अजीज साहब, शमसान बुखारी साहब और इमरान इस्माइल ने हमें ज्वाइन किया था। बार बार हम डायलॉग की बात करते हैं, मुजाकरात की बात करते हैं, अगर आप सोशल मीडिया पर एक नजर डालें तो लगता यह है कि आपस में भी डायलॉग नहीं करते, शायद ये एक पाकिस्तानी कल्चर का हिस्सा बन गया है। नॉट ओनली कि पीएमएलएन को आपस में मुजाकरात करने चाहिए, शायद ऑपोजिशन के साथ भी थोड़े से मुजाकरात हो जाएं और फिर अगर हम ये ड्राफ्ट करें पॉलिसी, सो वी कुड बी मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। जहां रहिए शादाब रहिए, अल्लाह हाफिज़।